नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद इमोर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कैंसर अर्बुदा के बारे में। इन शब्दों को सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर भय छा जाता है। डरिए नहीं, यह एक बीमारी मात्र है जिसे दूर किया जा सकता है। अर्बुदा यानी गांठें, ये गांठें हमारे सभी के शरीर में बनती बिगड़ती रहती हैं। यदि इन गांठों में कभी विकृति आ जाती है तो इसके कारण कैंसर सेल डेवलप होती हैं। इन्हें बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है हरीतकी के द्वारा। हरीतकी के विषय में आप जानकारी चाहते हैं तो इसकी विस्तृत जानकारी हमारे हरीतकी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। पृथ्वी में मौजूद अमृत तुल्य वस्तुओं में से हरीतकी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि 6 रसों में से 5 रस इस अकेले एक प्लांट में मौजूद है। इसलिए इसका नित्य सेवन करने से हमारे शरीर में सारी चीजें संतुलित बनी रहती हैं। नमकीन रस को भी यह संतुलित कर देता है। हमारे आचार्य चरक जी कहते हैं कि हरीतकी द्वारा विरेचन करने से पेट में जो भी गड़बड़ियाँ हैं वह सब दुरुस्त हो जाती हैं और जो रक्त है वह शुद्ध हो जाता है। स्पेशली कैंसर और पाइल्स के लिए यह बहुत ही उम्दा है। यदि कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो उसके लिए दोनों टाइम के भोजन से पहले आधा चम्मच हरीतकी पाउडर यानी हर्ड पाउडर लेकर घी या अरंड तेल में भूनकर सेवन करें। वैसे हरीतकी गर्म नेचर की होती है, इसलिए घी में भूनकर यदि इसका उपयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होता है। गांठें सेंधा नमक के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट खाना बंद कर दें, उसकी जगह सेंधा नमक प्रारंभ कर दें। हमारे ऋषि मुनियों के पास भी जब कभी असाध्य रोग लेके कोई जाता था तो वो सबसे पहले खाने में नमक खिलाना बंद करते थे, जिसका कि असर 60 दिनों में दिखने लगता था। क्योंकि शरीर में 60 दिनों में सारी प्रोसेस प्रॉपर रेगुलराइज हो जाती है, इसलिए जो बीमारी है वो काफ़ी कुछ अपने आप ठीक होने लगती है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कैंसर जैसी समस्याओं से डरिए नहीं। यदि हो गया है तो उसका डटकर सामना करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जिंदा दिली के साथ जिए, खुश रहें। जिंदा दिल इंसान के पास बीमारियां भी आने से डरती हैं, इसलिए प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।